हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल में। मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे हम लोग और मौलिक अधिकार में हमने अनुच्छेद 22 तक पढ़ लिया था। आज हम अनुच्छेद 23 और उससे आगे के मौलिक अधिकारों को पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है तो पूरी क्लास देखिए आप लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो पढ़ा था वो अनुच्छेद 22 तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और ये अधिकार है आपका अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। ये जो आर्टिकल है, ये जो मौलिक अधिकार है, ये किसी भी प्रकार के शोषण को रोकता है। किसी भी टाइप का शोषण रोकता है, चाहे वो गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए, चाहे किसी प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा किया जाए, ये सब पर लागू होता है मौलिक अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। देखिए, सबसे पहले अनुच्छेद 23 की अगर बात करें, अनुच्छेद 23 क्या करता है, ये बलात्श्रम पर रोक लगाता है। बलात्श्रम पर रोक, बलात्श्रम का निषेध, ठीक है, बलात्श्रम का निषेध। बलात्श्रम का मतलब क्या होता है, एक आपने सुना होगा बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब होता है बच्चों से काम करवाना। बलात्श्रम का मतलब होता है किसी से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम करवाना, किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। ये अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है, आर्टिकल 23 का उल्लंघन माना जाएगा। कारण क्या है इसका, क्योंकि आप किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवा रहे हो, उसकी इच्छा नहीं है कार्य करने की, या फिर आप उससे कार्य करवा रहे हो और उसके बदले में उसे कोई पेमेंट नहीं दे रहे हो, कोई सैलरी नहीं दे रहे हो, या फिर बहुत कम सैलरी दे रहे हो, बहुत कम पैसा दे रहे हो, ये सब अनुच्छेद 23 के उल्लंघन माने जाएंगे। ठीक है, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाने को तो रोकता ही है, इसके साथ साथ ये रोकता है मानव के दुर्व्यापार पर रोक। मानव के दुर्व्यापार पर रोक, मानव के दुर्व्यापार का मतलब है जैसे पशुओं की तरह पशुओं की खरीद फरोख्त की जाती है, पशुओं के सामानों की, पशुओं की खरीदते बेचते हैं, वैसे मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता और मानव के अंगों का व्यापार नहीं किया जा सकता। कुछ लोग क्या करते हैं, लोगों को पकड़ लेते हैं, उनकी किडनियाँ निकाल लेते हैं और ब्लड वगैरह का जो है वो व्यापार करते हैं। ये सारे व्यापार नहीं कर सकते आप, क्योंकि मानव कोई व्यापार की वस्तु नहीं है। ठीक है, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चों को पकड़कर लोग क्या करते हैं कि मतलब उनसे भीख वगैरह मंगवाते हैं, कई सारे केसेस इंडिया में ऐसे देखे गए हैं। ये भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। और बहुत सारी बच्चियों को पकड़कर उन्हें दूसरे अदर स्टेट्स में ले जाकर या अदर देशों में ले जाकर उन्हें नकारात्मक धंधों में लगाया जाता है, ये भी अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। ठीक है, तो पूरी तरीके से मानव के व्यापार, मानव अंगों के दुर्व्यापार प्लस जबरन जो श्रम है, जबरदस्ती जो श्रम है, उसको रोकने का काम करता है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 ही रोक लगाता है बंधुआ मजदूरी पर। बंधुआ मजदूरी, बंधुआ मजदूरी का मतलब होता है किसी मजदूर से, किसी व्यक्ति से उसे जैसे थोड़ा सा कर्जा दे दिया और कर्जा देने के बाद उसे हमेशा के लिए अपना मजदूर बना लिया, मजदूर बना लिया, और वो आपके यहाँ परमानेंट काम करेगा, उसके बदले में सिर्फ आप उसे खाना खिलाओगे और कोई उसके बदले में कोई सैलरी नहीं दोगे, क्योंकि आपने उसे पहले ही बहुत सारा कर्जा दे रखा है। तो ये बंधुआ मजदूरी होती है। बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है अनुच्छेद 23। ठीक है, चलिए अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 ये बाल श्रम का निषेध करता है। बाल श्रम का निषेध, बाल श्रम का निषेध का मतलब है, बाल श्रम का मतलब है बच्चों से काम करवाना। जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं उनसे आप खानों पर, खानों में और खतरनाक स्थानों में, कारखानों वगैरह में कार्य नहीं करवा सकते। ठीक है, 14 वर्ष तक के बच्चों से आप खानों में और खतरनाक स्थानों में काम नहीं करवा सकते। खानों में कोयला वगैरह की खानें होती हैं, काफ़ी खतरनाक काम वहाँ होता है, है ना। बहुत सारे कारखाने होते हैं जिनमें लोहा पिघलाया जाता है। अब लोहा पिघलाएगा तो अगर थोड़ा सा भी बच्चे के ऊपर गिर गया तो उसके पूरे भविष्य को ख़राब कर सकता है।
इसीलिए ये जो आर्टिकल 24 है ये बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है, ठीक है। कुछ लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले बच्चों के लिए भी रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने जो बच्चे काम करते हैं वो कोई खतरनाक कार्य नहीं होता, ठीक है। तो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है बच्चों के लिए। हालांकि देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि बच्चे अपने माता पिता जो अगर असमर्थ हैं तो उनकी हेल्प के लिए उनका सहयोग कर सकता है, लेकिन जैसे ठेले ढकेले वगैरह पर जो बच्चे काम करते हैं उसको अलाउ किया गया है, कोई किसी खतरनाक प्लेस पर किसी भी स्थिति में बच्चे का कार्य करना अलाउ नहीं है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार था। इस आर्टिकल दोनों आर्टिकल ये जो हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसके अगला वाला अधिकार हम पढ़ते हैं, वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और ये है आपका अनुच्छेद 25 से 28 तक। चार आर्टिकल इसमें आते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है यहाँ, तो धर्म से रिलेटेड क्या क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं, टोटल चार स्वतंत्रताएं दी गई हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 25। इसमें देखिए हमें धर्म और अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। धर्म और अंतःकरण का मतलब है कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को चाहे अपना सकता है, उसका व्यवहार कर सकता है, आचरण कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार कर सकता है। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं अभी अपना धर्म छोड़ के मैं हिंदू हूँ, मैं चाहूँ कि मैं ईसाई बन जाऊँ, मैं बिल्कुल अपना सकता हूँ कोई भी धर्म, मुझे पूरी छूट है किसी भी धर्म को अपनाने की, उसका आचरण करने की, उसको मानने की, उसका प्रचार करने की मुझे पूरी छूट है। लेकिन यही आर्टिकल एक काम और करता है, यही अनुच्छेद 25 जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाता है। जैसे मुझे कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन मेरा करवाना चाहे, सिर पर बंदूक रख के बोला एक्सेप्ट करो कि तुम ईसाई हो गए आज से, तो ये जबरन धर्म परिवर्तन हो गया, या मुझे धमकियां देने के बाद मेरा धर्म परिवर्तन करवाया जाता है, तो यह अनुच्छेद 25 का उल्लंघन माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और है अनुच्छेद 25 में कि यही अनुच्छेद सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार देता है, आर्टिकल 25। क्योंकि सिखों के धर्म में लिखा हुआ है, सिखों के जो दसवें गुरु थे, सबसे अंतिम गुरु थे, उन्होंने कहा था सिखों को पांच क धारण करने के लिए, गुरु गोविंद साहब ने कहा था सिखों को पांच क धारण करने के लिए, जिनमें कच्छा, कंगी, ठीक है, केस यानी कि बाल, और आपका कड़ा, प्लस एक था कृपाण। कृपाण का मतलब वही कटार टाइप का जो होता है, ठीक है, तो उसको धारण कर लेते हैं। तो इसमें एक बार एक केस बन गया था, 2010 की बात है, एक सिख सांसद थे, वे संसद में एंट्री कर रहे थे, संसद में जा रहे थे और उनके कृपाण बड़ी सी तलवार लटकी हुई थी, सिक्योरिटी ने उन्हें रोक लिया कि संसद में आप इतनी बड़ी तलवार लेकर नहीं जा सकते, आपको गुस्सा आ गया तो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है, बहुमूल्य लोग बैठते हैं भारत के संसद में। तो हुआ क्या, सिक्योरिटी ने रोक लिया तो सांसद जी चले गए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बिल्कुल आपका धर्म कहता है कि आप कृपाण धारण कर सकते हैं, कोई भी आपको नहीं रोक सकता, लेकिन वो जो कृपाण है उसकी लंबाई निर्धारित कर दी। कृपाण जो है वो जो कटार है वो लगभग 6 इंच लंबी हो सकती है, मैक्सिमम इससे ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती, और सांसद जी तो पूरी तलवार लेकर जा रहे थे, और उसकी धार भी बताई कि धार बहुतरी होनी चाहिए जो किसी भी चीज़ को आसानी से न काट सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बताई सुप्रीम कोर्ट ने, गाइडलाइंस बताई। तो ये जो आर्टिकल है इसमें क्या है, धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता, मैं एक बार लिख देता हूँ, धर्म एवं अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसमें एक दो बातें और हैं, और वो बातें क्या हैं, ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 25, ये आपको आपके धर्म की प्रदर्शन की स्वतंत्रता देता है। धर्म प्रदर्शन का मतलब है, तो फिर जो ताजिया वगैरह जो निकलता है,
ताजिया जो निकलता है, ठीक है ना, ताजिया निकलता है, मुहर्रम निकलता है, इन सब की भी परमिशन है आर्टिकल 25 के तहत। लेकिन कोई ऐसा कृत्य करने की, सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा कृत्य, कोई ऐसा कार्य करने की परमिशन नहीं है जिससे बच्चे और महिलाओं के शरीर पर मस्तिष्क पर कोई गलत प्रभाव पड़े। जैसे बच्चे अगर देखते हैं, मान लीजिए कहीं से होके बहुत सारे लोग मानव मुंडी लेकर जा रहे हैं, हिंदू धर्म में होता है ऐसा, बहुत सारे संत जो हैं वो मानव मुंडी की माला डाल के और निकल जाते हैं बाजार में प्रदर्शन करते हुए धर्म का, तो ऐसा धर्म का प्रदर्शन करना क्या है, गलत है, जिससे कि बच्चों और महिलाओं के मानसिक जो स्वास्थ्य है उस पर गलत प्रभाव पड़े। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 26। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। धार्मिक कार्यों का आप मैनेजमेंट कर सकते हो, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। अपने धर्म से संबंधित किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कार्यों से प्रबंधन करने का अधिकार दिया गया है। जैसे आप रामायण वगैरह करवाते हो, भागवत वगैरह करवाते हो, हिंदू धर्म में लोग सब छूट आपको आर्टिकल 26 देता है। आपके जो मंदिर वगैरह हैं, मस्जिद वगैरह में हैं, उनको केवल हिंदू धर्म ही मैनेज करते हैं, तो जो मैनेजमेंट का, प्रबंधन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 26 है। प्रबंधन का अधिकार आर्टिकल 26 आपको देता है, ठीक है। और भी अपने धर्म से संबंधित जो भी आप क्रियाकलाप करते हो, संपत्ति का अर्जन करते हो, मंदिरों की अपनी ट्रस्ट होता है, संपत्ति होती है, ठीक है, संपत्ति का अर्जन कर सकते हो, चल अचल संपत्ति दोनों संपत्तियां मंदिर के लिए अर्जित की जा सकती हैं, तो आपके धर्म से संबंधित जो प्रबंधन का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 26 आपको प्रदान करता है, ठीक है। चलिए अगला है अनुच्छेद 27। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 क्या कहता है, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर न देने की स्वतंत्रता, कर न देने की स्वतंत्रता। इसका क्या मतलब है, कोई विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए अगर हमारी सरकार, अगर राज्य कार्य करता है किसी एक ही धर्म की अभिवृद्धि के लिए, तो जो व्यक्ति हैं अन्य धर्म के व्यक्ति, वे कर देने से मना कर सकते हैं, सरकार को टैक्स देने से मना कर सकते हैं। कारण क्या है इसका, मान लीजिए जैसे सरकार ने हज यात्रा सब्सिडी चलाई थी, अब हज यात्रा सब्सिडी में उत्तर प्रदेश सरकार ने हज यात्रियों को 1,00,000 रुपये देने का प्रावधान किया था, जिसमें जो भी व्यक्ति एक हज यात्रा पर जाएगा उसको उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 1,00,000 रुपया दिया जाएगा। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में टैक्स पेयर्स जो हैं, यानी कि कर देने वाले लोग, केवल मुसलमान तो है नहीं, सभी धर्मों के लोग देते हैं कर, और लेकिन किसी एक धर्म को प्रमोट करने के लिए सरकार क्या दे रही है, टैक्स दे रही है, सब्सिडी दे रही है 1,00,000 रुपये की। तो अगर आपको सब्सिडी देनी है तो सभी धर्मों को दो या फिर किसी धर्मों को मत दो। क्यों, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल है वो साफ कहता है कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने से आप मना कर सकते हो, अनुच्छेद 27 ये बात कहता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से तुरंत इस सब्सिडी को रोक लगाने की बात कही और इस सब्सिडी को फिर बंद कर दिया गया, ठीक है। तो आप किसी, जैसे सरकार चाहे तो केवल हिंदुओं के लिए कार्य करे, मंदिर वगैरह बनवाए, तो बाकी के लोग टैक्स देने से मना कर सकते हैं, क्योंकि मंदिर बनवाना सरकार का कार्य नहीं है, सरकार का कार्य है सभी धर्मों के लिए काम करना। अगर आप मंदिर बनवा रहे हो तो आप मस्जिद भी बनवाओ, आप चर्च भी बनवाओ, ये सारी चीज़ें हैं, समझ में आ रहा है। चलिए गुरुद्वारे भी बनवाओ। तो अनुच्छेद 27, अगला है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 देखिए क्या कहता है, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित न होने का अधिकार। मतलब जैसे राज्य निधि से पोषित कोई शिक्षा संस्थान है, जैसे कोई सरकार से सहायता प्राप्त कोई शिक्षा संस्थान का मतलब है कोई स्कूल है या कोई अन्य संस्था है जिसमें आपको धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, धर्म से रिलेटेड शिक्षा, जैसे रामायण पढ़ाई जा रही है, भागवत पढ़ाई जा रही है, कुरान पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बाइबिल पढ़ाया जा रहा है आपको, है ना, तो
आप ऐसी शिक्षा में उपस्थित होने से मना कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको कुरान पढ़ाया जा रहा है और आप हिंदू हैं और आप नहीं चाहते आप कुरान पढ़ें, तो कोई भी जबरन आपको कुरान नहीं पढ़वा सकता, आप उस क्लास में उपस्थित होने से मना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान इसमें किया गया है और ये रोक लगाता है इस चीज़ पर। इसीलिए किसी भी जो सरकार से सहायता प्राप्त, सरकारी सहायता प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको इस दायरे में नहीं रखा गया है। भाई प्राइवेट स्कूलों की अपना कार्य है, वे जैसे चाहें वैसी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं, लेकिन किसी गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं किया जा सकता। अच्छा, कुछ लोग समझ लेते हैं कि जो आरती होती है या जो प्रेयर होती है स्कूल कॉलेज में वो भी धर्म से रिलेटेड शिक्षा है। भाई वो धार्मिक शिक्षा नहीं है, वो तो एक तरीके से बच्चों का बच्चों के मतलब वृद्धि के लिए, मानसिक वृद्धि के लिए, बच्चों का अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की जाती है ईश्वर से ताकि वो शिक्षा प्रदान करे बच्चों को। ठीक है, तो वो कोई धार्मिक कार्य नहीं होता। बाकी धार्मिक शिक्षा किसी भी शिक्षण संस्थान में प्रदान नहीं की जा सकती। तो आज की जो क्लास है हमारी, इसमें अनुच्छेद 28 तक हमने पढ़ लिया। आगे की जो क्लास है उसमें जो बाकी के अनुच्छेद बचे हुए मौलिक अधिकारों को उनको पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।